जय हिंद दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम टू वंडर। तो राम जानकी हनुमान मंदिर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग दुर्गा पूजा की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो दुर्गा पूजा के लिए पंडाल बनेगा, दुर्गा माता की प्रतिमा आएगी और कलश यात्रा निकलेगी। हम इस वीडियो में वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो अभी रात के बज रहे हैं लगभग 10 और हमारा टेंट लगना शुरू हो गया है। ये टेंट लगेगा, ये सारे बच्चे हमारे आके बैठ गए हैं कि यहाँ पे कुछ अच्छा होने वाला है, बड़ा होने वाला है। तो हमारा माता रानी का पंडाल बनेगा आज और उसके बाद हम लोग माता रानी की प्रतिमा लेने जाएंगे। माता रानी की प्रतिमा लेके आएंगे, फिर उसके बाद जो है पंडित जी अपने यहाँ पे इतने बेदी वगैरह बनाने शुरू कर चुके हैं। जो पंडित जी लोग हैं हमारे, वो सारा माता रानी के मंदिर के लिए बेदी और सारी चीज़ें बना के तैयार कर रहे हैं, जिससे कि माता रानी यहाँ पे प्रसन्न होकर हम सभी को अच्छा आशीर्वाद दे के जाएँ और सभी की सुख समृद्धि काम सभी को सुख समृद्धि की कामना करने के लिए हम जो भी कर सकते हैं हम करेंगे। एक सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहाँ पे हम लोग विश्व के कल्याण के लिए करते हैं, सभी सनातनियों के कल्याण के लिए करते हैं, सभी जीव जंतु मानव जितने भी धरती पर प्राणी हैं हम सभी की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। तो ये हमारे पंडित जी लोग अपना नवग्रह की और बाकी जितनी भी स्वास्तिक ओम प्रतिमा सब बना रहे हैं। उसके बाद हम लोग संध्या आरती करते हैं हमारे हनुमान जी के मंदिर में। यहाँ पे हमारे पंचमुखी हनुमान जी विराजमान हैं, दक्षिणमुखी हनुमान जी। तो सारे बच्चे अपना ताली बजाकर माता भगवान जी को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद अब जब हमारा टेंट लग गया तो अब हम पंडाल जो माता रानी का भवन है उसको डेकोरेट करने के लिए सारी चीज़ें लेके आ गए हैं। ये जितना भी डेकोरेशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग बाहर से किसी को नहीं बुलाते, हमारे ही टीम के मेंबर होते हैं जो हमारी सारी डेकोरेशन करते हैं। क्योंकि टेंट वगैरह तो हमारे पास नहीं है इसलिए हमको बाहर से लाना पड़ता है, अन्यथा हम लोग सक्षम हैं, हम लोग सब चीज़ कर सकते हैं। ये सारे कलश हैं जो सुबह आप लोग कलश यात्रा देखेंगे, विशाल कलश यात्रा, ये उसकी हम। तो ये है हमारी माता रानी की प्रतिमा जो हम लोग बंगाली दादा के यहाँ से लेके आएंगे। यहाँ पे बंगाली लोग जो भी मूर्तियाँ बनाते हैं वो काफ़ी सुंदर बनाते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव होती हैं। तो आइए हम लोग अपनी प्रतिमा को तैयार करवाते हैं, उनका जो भी श्रृंगार और साज सज्जा के सामान है वो लेते हैं और फिर माता रानी को लेकर हम अपने पंडाल की तरफ चलेंगे। तो हमारे लगभग 10-12 लोग आए हैं जो कि माता रानी की प्रतिमा को उठाकर टेम्पो तक रखेंगे और टेम्पो से फिर हम लोग उसको अपने भवन तक लेके जाएंगे। तरह तरह की प्रतिमा हमारे दादा ने बना रखी है, गणेश जी की, कार्तिकेय के और लक्ष्मी सरस्वती। दादा का हाथ में बहुत अच्छी कलाकारी है। ये दादा हैं हमारे जो जा रहे हैं पीछे, और ये हमारी जो भी जितनी भी वीडियो है ये कहीं से भी कहीं से स्पॉन्सर्ड नहीं है। हम जो भी वीडियो बनाते हैं अपने हाथ से बनाते हैं। तो ये माता रानी की प्रतिमा हम लोगों को मिल गई है और अब हम लोग लेके इसको अपने भवन की तरफ चलेंगे। तो मैं वही बता रहा था आप लोगों को कि मेरी वीडियो जो है ना कहीं से स्पॉन्सर्ड नहीं होती, जो मैं करता हूँ अपने दम पे करता हूँ और खुद ही करता हूँ, किसी से यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है मुझे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी वीडियो को सपोर्ट करेंगे, जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो हमारा डेकोरेशन का काम आप देख रहे हैं, यहाँ पे सब बच्चे लगे हुए हैं डेकोरेट कर रहे हैं। और अभी हम लोग की हम क्योंकि हम कार से गए थे और टेम्पू जो है अलग आ रहा है तो हम लोग पहले पहुंच गए थे। तो ये हमारे पीछे पीछे टेम्पू भी आ गया माता रानी की प्रतिमा वाला। तो अभी सब लोग हम उसको उतार के अपने स्थान पे विराजमान करेंगे और सुबह जो है पूजा पाठ होगी, उसके बाद हम लोग विधि विधान से माता रानी के पूजा में लग जाएंगे 10 दिन। भगवती को प्रसन्न करना बहुत ही कठिन काम है क्योंकि भगवती इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होती हैं। इनकी पूजा को आप 10 दिन पूरे विधि विधान से करेंगे तब जाके भगवती प्रसन्न होती हैं। ये हमने माता रानी के जो भवन तैयार किया है वहाँ पे प्रतिमा ले जाके स्थापित कर दी है और अब हम लोग कलश यात्रा की तैयारी करेंगे। ये हमारे सारे कलश भर के रख दिए हैं, कलश नारियल आम के पत्ते चुनरी सब लगा के तैयार कर दिए। अब सभी को कलश वितरित किया जा रहा है एक एक करके। जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, 400-500 महिलाएं आई थी इस कलश यात्रा में,
सभी को कलश वितरित कर दिया जाएगा और फिर हम लोग कलश यात्रा को निकालेंगे। इसमें हमारे पुलिस प्रशासन का और हमारे जो डीएम एसडीएम एएसपी एसीपी जितने भी अधिकारी थे उनका बहुत सहयोग मिला हम लोगों को। हमारे जो चौकी इंचार्ज थे, हमारा थाना अध्यक्ष जो हैं, इन सब ने हमको बहुत सपोर्ट किया और विधिवत जितनी भी हमारी कलश यात्रा लगभग 5-6 किलोमीटर की थी, बहुत ही शानदार कलश यात्रा इन लोगों ने निकलवाई बहुत शांति प्रिय तरीके से। तो आइए आप लोग भी कलश यात्रा में चलते हैं और माता रानी का गुणगान करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि हमारे पास क्या क्या सुविधाएं हैं कलश यात्रा में, हम लोगों ने क्या क्या लगा रखा है। हमारी कलश यात्रा में विभिन्न प्रकार की झांकियां भी थी। शिव पार्वती माँ दुर्गा की प्रतिमा थी, रामचंद्र का दरबार था, राधा कृष्ण की झांकियां थी। तो कोशिश हमने की है कि जो सारी झांकियां हैं या सारे जो हमारे बाहुबली हनुमान जी हैं वो पैदल चल रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं विजय पताका लेके, तो कोशिश हमने की है कि जो भी यथासंभव हो सके माता रानी की पूजा को विधि विधान से किया जाए और विधिवत किया जाए, जिससे माता रानी हमें सभी को समृद्धि सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करके यहाँ से जाएं। लगभग हमारी कलश यात्रा में आप काउंट कर रहे होंगे तो 500 से ऊपर महिलाएं थी। इतनी बड़ी कलश यात्रा इस एरिया में आज तक हमने नहीं देखी। और कलश यात्रा में सबसे बड़ी बात यह है कि हमने सबने बहुत ही शांति प्रिय तरीके से पूरी व्यवस्था के साथ कलश यात्रा को निकाला। माता रानी का गुणगान हो और शांति प्रिय ढंग से हो, हम यही चाहते हैं कि कहीं से किसी भी प्रकार का कोई कलेश ना हो और ना ही कोई करने की किसी ने हिम्मत जताई। माता रानी का गुणगान बहुत ही शांति तरीके से हुआ, बहुत अच्छा हुआ और हम सब जो है माता रानी के से यही कामना करते हैं कि माता रानी आप जो है हम लोगों के घर में विराजमान रहें, हम लोगों को हर सुख सुविधा से संपन्न कराएं और हम आपके बच्चे हैं, हम आप लोगों के आशीर्वाद के तले ही रहना चाहते हैं।
ये हमने 1.6 की स्पीड में लोगों को चला रखा है, जिससे कि आप लोग देख सकते हैं कि फिर भी महिलाओं का की जो लाइन है वो ख़त्म होकर राजी नहीं है। तो आप इसे अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे इस कलश यात्रा में कितनी भीड़ रही होगी। ये महिलाएं हैं, इसके साथ में पुरुष थे, बच्चे थे, तो भीड़ हमारी बहुत बड़ी थी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी कलश यात्रा अच्छी लगी होगी। तो आइए चलते हैं सब लोग माता रानी के गुणगान में। ये हमारी माता रानी की प्रतिमा आ गई और हम लोग जो है अपने पूजा पाठ पे बैठ गए हैं, क्योंकि पूजा करेंगे, माता रानी में प्राण प्रतिष्ठा होती है और उसके बाद ही हम लोग आगे का काम कर सकते हैं। ये सारे हमारे जो कलश थे वो आ गए हैं, दोनों साइड इसी तरह से कलश विराजमान है। ये कुछ कलश हमने आगे रखे हैं जो कि हम लोगों के मेन कार्यकर्ताओं के हैं। आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि माता रानी का मुख क्यों ढका हुआ है। तो हम लोग दुर्गा पूजा के जो हमारा सिस्टम है, जो हमारे रीति रिवाज है, उसमें हम दुर्गा पूजा के सातवें दिन जो सप्तमी होती है उस रात्रि में हम माता रानी की पूजा करते हैं और उस रात्रि में ही हम माता रानी के जो मुख हैं वो से पर्दा हटाते हैं और उसके बाद ही सबको माता रानी के दर्शन होते हैं। ये मध्यरात्रि का में होने वाली क्रिया है। सुबह की पूजा के बाद अब माता रानी का शाम का हम लोगों ने जागरण का प्रोग्राम किया है और आइए माता रानी की ज्योत प्रज्वलित करते हैं और हम जागरण की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रेम के लिए जय माता रानी। सच्चे दरबार की, मेरे बालाजी महाराज की। अच्छा ये बताओ बालाजी महाराज किस नाम से पूजते हैं? किस नाम से? मैं प्रभु श्री राम का नाम तो जपता हूँ, लेकिन मैं आपका भी नाम जपता हूँ, लेकिन मेरा एक काम कर देना, प्रभु श्री राम को मेरी राम राम कह देना। राम को राम नाम लेने के लिए आया है। एक बार पूरे हाथ उठाने, सीधे सीधे जिसको हाथ दिए चाली मेरा Thank you.